Hi Arun, congratulations for getting the Most Engaging Educator Award. Wow, this is superb. Educators are responsible for building the future of our country. And you guys are doing such a wonderful job. I mean, it's so amazing, influencing 1,000 lives each and every day and working so hard towards it. Superb, Arun, superb. I wish you all the best in life. This is Delnaz Irani once again. Asking you, let's crack it. Superb, guys, superb. Arun, once again, God bless you and do a great job in future. हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अरुण सिंह रावत और एक बार माफ़ कीजिएगा थोड़ा सा गला आज बैठा हुआ है। तो हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अरुण सिंह रावत और एक बार फिर से आप सभी लोगों का आज के सेशन में मैं करता हूँ स्वागत। तो साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हो कि 3 दिन आज आखिरी दिन है और कल आपका पेपर है। तो जितने भी लोग यहाँ पर आ चुके हैं, एक बार सभी लोग को से मैं कहूँगा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, सारे साथियों को बुला लीजिए, क्योंकि क्लास बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। बहुत सारे लोगों ने डिमांड किया, सर अर्थमेटिक का कुछ दे दीजिए, अर्थमेटिक का कुछ दे दीजिए। तो साथियों, आज मैं आप लोगों को अर्थमेटिक के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर बताने वाला हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अब यहाँ पर एक बार बताओ, आवाज़ सही है? हाँ भाई, आवाज एक बार चेक कर लेता हूँ। ना पहले से, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा आप लोग भी मैनेज करोगे, आप जान सकते हो 3 दिन क्लास लेके थोड़ा सा गला बैठ गया है। चलो बहरहाल, एक बार जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए और बता दीजिए कि आज अरुण सर आपके लिए 25 सवाल लेकर आ चुके हैं अर्थमेटिक के। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बेस्ट 25 क्वेश्चंस आपके लिए होने वाले हैं आज, मजा आने वाला है आपको आज के सेशन में। एक मिनट, चलो चलो भाई, यस कम ऑन, जल्दी से वीडियो को शेयर कर दो सब लोग, क्योंकि बेस्ट 25 क्वेश्चंस आज मैं डिस्कस करने वाला हूं 10 बजे और 5 बजे आज डिस्कस करूंगा नंबर सीरीज, और रात के 8:30 बजे आज डिस्कस करने वाला हूं केसलेट DI। तो साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, सबको बताओ कि यार उनसे लाइव आ चुके हैं और आप देख सकते हो कि गला थोड़ा ख़राब है, बट फिर भी मैंने कहा नहीं, क्लास जरूर लेंगे क्योंकि आखिरी दिन है यार,
कल एग्जाम, बहुत सारे लोग का आज का सेशन देखने से बहुत फायदा होगा। जैसे मैंने आप लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस भराई डीआई को लेकर, ऐसी कॉन्फिडेंस मैं आप लोगों के अंदर आज अर्थमेटिक को भरूंगा। अर्थमेटिक को करना कैसे, क्या अप्रोच दिमाग में रखनी है, सर देखो दो तीन बातें आपको मेरी समझनी है। आज जो मैंने आपके लिए अर्थमेटिक रखा है वो प्रीवियस ईयर भी है और करंट एग्जाम्स में जो क्वेश्चन बन रहे हैं उनको बेस कर, उनको मान के रखा है। तो हमें करना क्या है, सुनो, हम क्या करेंगे कि आज अर्थमेटिक के वो सवाल जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं और जो रिसेंटली एग्जाम्स में आ भी रहे हैं, तो हमने कुछ टॉपिक को लिया है। जैसे मैंने कहा है कि परसेंटेज है, ठीक है, मैंने कहा प्रॉफिट लॉस है, इस पर मैंने सवाल रखा है। उसके साथ साथ साथियों मैंने SICI पे रखा है क्वेश्चन, रेशियो पे सवाल रखे हैं आपके लिए, टाइम एंड वर्क पे सवाल रखे हैं, और मैंने आपके लिए एज पे सवाल रखे हैं, और आपका पार्टनरशिप पे सवाल रखा है। तो कुछ ये टॉपिक है जिनको, जिन्होंने, इन बच्चों ने इन टॉपिक को रिवीजन किया है उनका अच्छा खासा रिवीजन होने वाला है आज। अब इनके लिए सबसे जरूरी क्या चीज है, देखो अर्थमेटिक के लिए फिर से कहूंगा सबसे जरूरी आपकी फ्रैक्शनल टेबल। तो एक बार जरा मुझे सब लोग बताएंगे फ्रैक्शनल टेबल कितने लोगों ने लर्न कर ली है। फ्रैक्शन टेबल कितने लोगों ने लर्न कर रखी है, काफी सारे लोगों ने याद कर रखा होगा, है ना। मतलब मेरा कहने का मतलब है वहां परेशानी ना हो कि 33 1/3% अगर लिखा हुआ है कि इंक्रीज कर दिया, अगर कहीं पे लिखा हुआ है कि 33 1/3% इंक्रीज कर गया तो इसका मतलब है कि वो नंबर 4/3 हो गया, डायरेक्टली पता होना चाहिए। कहीं पर लिख रहा है कि 37.5% डिक्रीज कर रहे हैं, इसका मतलब कि 3/8 है, 8 से 3 घटा रहे हैं तो 5/8। तो ये छोटी छोटी कलाएं आपको पता होनी चाहिए कि ये सारे के सारे फ्रैक्शन, परसेंटेज का फ्रैक्शन में कन्वर्जन आपको आना चाहिए, तभी आप अर्थमेटिक को बेहतर कर पाओगे। यस, सही है, तो शुरुआत करूं, ठीक है। दूसरी कैलकुलेशन, गुणा भाग करने की ट्रिक। कैलकुलेशन आपकी बहुत जबरदस्त होनी चाहिए, लाइक मैंने कहा 24 into आपसे लेट्स से मैंने कहा 123 एग्जांपल, तो आप वहां पे सोचते रह जाओ करूं क्या, तो आप जैसे मर्जी वैसे कर, 24 का 100 गुना 2400, 24 का 20 गुना 480, और 24 3 72, तो 2 8 7 15 लास्ट में 52 आएगा। ये अप्रोच के साथ भी आप जा सकते हो। एक बार जरा कमेंट करो, यस कम ऑन थम्स अप साथियों, जवाब दो। देखो गला पूरा खराब है लेकिन फिर भी मैं खड़ा हूं आप लोगों के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि आज की क्लास अगर मैं मिस कर देता तो शायद बहुत सारे बच्चों को आप जो कॉन्फिडेंस है वो डाउन हो जाता। तो एक बार जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो, 3200 लोग सेशन में आ चुके हैं, मैं चाहता हूं ज्यादा से ज्यादा लोग अर्थमेटिक देखने आए। आ जाओ, सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा साथियों, बहुत ही बढ़िया सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में भी आ चुका है, इसमें दोनों कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे, एक डिसऑनेस्ट वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और एक कॉन्सेप्ट आपका प्रॉफिट लॉस का भी क्लियर हो जाएगा कि अगर इस तरीके का सवाल बनता है तो हम लोग कैसे करेंगे। मात्र 50 सेकंड साथियों, एक डिसऑनेस्ट बेईमान दुकानदार 20% एबो रख रहा है कॉस्ट प्राइस से और डिस्काउंट दे रहा है 10% का, उसके अलावा वो चीट भी कर रहा है, तो बताइए उसका ओवरऑल प्रॉफिट लॉस क्या होगा। यस कम ऑन, आ जाओ, बहुत सारे लोगों ने आंसर कर भी दिया है। देखो जितने लोगों को इसका कॉन्सेप्ट मालूम है, जितने लोगों ने इसका आंसर दिया है वेल एंड गुड, जितने लोगों ने नहीं कर पा रहे हैं, जो नहीं समझ पा रहे हैं वो समझना। देखो साथियों लड्डू सवाल था, एक दुकानदार 20% एबो रख रहा है कॉस्ट प्राइस से और 10% की छूट दे रहा है, तो मैं आपको डायरेक्टली फार्मूला बताता हूँ कि जब भी आपको प्रॉफिट निकालना है तो प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला, जब भी ये वाले कंडीशन आ जाए, इतना परसेंट ऊपर रखा और इतने का डिस्काउंट दिया, तो क्या करेंगे, M-D, बहुत ध्यान समझना, ठीक है। इसको हम एक तरीके से, मैं आपको डायरेक्टली भी कर सकते हो आपकी सीपी को 100 मान के, बट मैं चाह रहा हूं कि आप डायरेक्टली प्रॉफिट परसेंट निकालो। तो डायरेक्टली प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालोगे कि आपने कहा M-D-M
एम इन टू डी अपॉन 100. व्हाट डज इट मीन कि एम माइनस डी, 20 में से 10 गया 10 हो गया माइनस 20 इंटू 10 200 डिवाइड बाई 100 दो, तो आपने का पहला प्रॉफिट हो गया 8%. ये समझ आया कि नहीं आया? ये टाइम सेविंग अप्रोच है. आप इसको मैंने क्या कहा 100 मान के भी कर सकते थे, ऐसे भी कर सकते थे कि मान लीजिए कॉस्ट प्राइस मेरी 100 है तो एमआरपी मेरा कितना हो जाएगा 120. आप ऐसे भी कर सकते थे. 10% की छूट दे रहा हूँ, 10% की छूट दे रहा हूँ तो कितने का बेच रहा हूँ, 12 रुपये की छूट दे रहा हूँ 108 का. तो अगेन आप कहोगे प्रॉफिट मेरा 8 आ गया, पहला प्रॉफिट. गॉट इट? आया ना? बोलो. तो मैंने कहा दोनों अप्रोच है, दोनों अप्रोच से आप कर सकते हो, बट जो अप्रोच मैंने आपको बताई थी वो टाइम सेविंग अप्रोच थी. याद रखना उसको कि जब भी ऐसा होगा प्रॉफिट परसेंट एम माइनस डी माइनस एम डी अपॉन 100. तो मैंने क्या कहा कि 20 माइनस 10 और ये 200 अपॉन में 100, आपका आंसर 8 हो गया. बेस्ट थम्स अप. ठीक है, तो आपने क्या कहा सर, पहला प्रॉफिट परसेंट हमने निकाल लिया 8 हो गया. अब दूसरा प्रॉफिट निकालना है. साथियों एक बात बताओ, 750 ग्राम 1 किलो के बदले, इस लाइन को पढ़ो, इसका मतलब 750 ग्राम 1000 ग्राम के बदले, तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 25 से आपने काटा 3 बार, 25 से आपने काटा 4 बार. भाई जब भी प्रॉफिट होगा तो बड़ा नंबर आपका एसपी होगा, छोटा नंबर आपका सीपी होगा. तो प्रॉफिट हो गया 1/3, 1/3 का मतलब 100/3% का दूसरा प्रॉफिट हो गया. अब दोनों को मर्ज कर देना है. मर्ज करने का सिंपल कॉन्सेप्ट है सक्सेस. ये देखो 100/3 प्लस 8 × 100/3 और अपॉन में 100, ये इससे कट जाएगा 108/3, 3 × 3 = 18, आपका आंसर 44%. बेस्ट थम्स अप. 4000 लोगों से मुझे जानना है कि समझ में आया कि नहीं. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर RRBPU आ सकता है. क्या किया मैंने, जब बढ़ा के रख रहा है तो पहला प्रॉफिट आ गया. साथियों जब बढ़ा के रख रहा है तो पहला प्रॉफिट आ गया. जब उसने चोरी करी, जब उसने क्या किया, फॉल्स वेट का यूज किया, तो मैंने कहा 750 1000 रेशियो बना दिया 3:4. जब भी प्रॉफिट होगा बड़ा एसपी छोटा सीपी, 1/3 मतलब 100/3, 1 प्रॉफिट 2 प्रॉफिट, दोनों प्रॉफिट को मर्ज किया, कंबाइंड प्रॉफिट 44. क्लियर? ठीक, अगला सवाल आ जाओ. बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में आएगा, ध्यान रखना. कुछ लोग इस क्वेश्चन को एलिगेशन से ही बनाते हैं, तो आप लोग भी इसको एलिगेशन से ही बनाना. मैं क्या कह रहा हूं कि आज बस कॉन्फिडेंस आपके अंदर इतना भर दूंगा, सारे बच्चे कहेंगे सर हमारा एग्जाम तो क्लियर हो गया आज ही. सारे क्वेश्चन वो हैं जो एग्जाम्स में आ चुके हैं, मैंने भी कई बार करवाए हैं, चाहे अपने प्लस कोर्स में हो, चाहे अपने यूट्यूब सेशन पर हो. साथियों वीडियो को शेयर करो, सारे लोगों से बता दो भैया कि अरुण सर आ रहे हैं, क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है. शेयर करो शेयर करो शेयर करो. आ जाओ. आ जाओ. अब देखो ये सवाल ना हर एग्जाम में आता है, हर एग्जाम्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट है. इसको आप रेशियो से भी कर सकते हो, बट रेशियो से कभी मत करना. इस क्वेश्चन को करना है एलिगेशन से. क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास में एक एलॉय है जिसमें एल्यूमिनियम निकल 4:3 में प्रेजेंट है. ठीक है भाई, एल्यूमिनियम 4:3 में प्रेजेंट है. एक दूसरा एलॉय है जिसमें 3:5 में प्रेजेंट है. कह रहा इन दोनों को मिलाया गया, बहुत ध्यान सुनना, इफ दीज टू एलॉय बी मिक्स्ड टू फॉर्म अ न्यू एलॉय, उसमें 1:1 है, तो इन्हें किस रेशियो में मिलाया गया. तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम किसी को भी ले लेंगे. यहां पर एल्यूमिनियम कितना है सर, 4/7. ठीक है, यहां पर एल्यूमिनियम कितना है सर, आपने कहा 3/8, और यहां पर एल्यूमिनियम कितना है सर, 1/2. तो जब भी ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा आप यूज करोगे एलिगेशन. एलिगेशन से बेस्ट प्रोसेस, एलिगेशन से बेस्ट अप्रोच इसमें नहीं है यहाँ पर. ठीक है, अब आप सॉल्व कर लोगे. तो इसको सॉल्व कैसे करोगे भाई, आधा में से 4/7 गया तो ये गया 7/8, तो 1/7 × 4 = 8, 1/14. फिर आपने कहा आधा में से, फिर से उसको माइनस करके देखते हैं, 3/8, 8 × 3 = 6, तो आपने कहा 2/16, तो 2 से 8 बार 7:4 आपका आंसर आ जाएगा. चेक कर लेना. यस, आसान, एक बार हाँ ना बोलो. जवाब दो सारे बच्चे की, सर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है. यस, तो एक सवाल हर बार एग्जाम में आ चुका है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, गलत कभी नहीं करना है. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. एक और एच पे बाद में चलेंगे. आ जाओ. हाँ जी.
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर सिंपल कंपाउंड। अगर आपने सिंपल कंपाउंड थोड़ा सा भी पढ़ा है ना, मैं आपको कहूंगा इस सवाल को जरूर समझें, बहुत कुछ क्लियर होगा। कह रहा है कि 4820 रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूं 35% दो साल के लिए, उसके बाद में 50% अमाउंट जो वहां से मिला वो मैंने 25% चार साल के लिए कर दी, तो बताइए 20 है कितना। बहुत ही आसान, मतलब लड्डू सवाल है। आ जाओ, ये हुई ना बात। अब अच्छी बात ये है कि साथियों आप लोग समझ रहे हो, अब इसको जल्दी करते हैं। देखो मैंने इसको बहुत जल्दी करूंगा, मैंने कहा 4820 रुपये 35%, देखो ध्यान देना मेरी अप्रोच को देखना, 35% कितने सालों के लिए, दो सालों के लिए, सही कह रहा हूं? तो आपने क्या कहा, अब पॉइंट समझना, 50% ऑफ द अमाउंट रिसीव फ्रॉम ए। अब यार एक बात बताओ, यहां से अमाउंट 50% दो सालों के लिए, तो अगर मैं आपसे कहूंगा कि ये तो मेरा सिंपल इंटरेस्ट हुआ, तो मेरी अमाउंट कितनी जाएगी, 135%। भाई साहब अगर मुझे अमाउंट निकालनी है 35%, तो इसका ऐसा ही है, 135% अमाउंट हो गई, और जो अमाउंट आई उसका आधा पैसा 25%, मतलब 25/100 कितने सालों के लिए, चार सालों के लिए। ये आपका कंबाइंड आंसर है, एक लाइन में जवाब दो फटाफट से। अब आपको बस कटिंग करनी है, फिर से देखो 4820 रुपए 135, 135 क्यों किया, क्योंकि 35% तो सिंपल इंटरेस्ट था, अमाउंट थी 135 दो साल की अमाउंट। फिर बोल रहा है जो अमाउंट मिली उसका आधा भाग 25% चार साल के लिए एसआई पर, तो बताइए इंटरेस्ट कितना मिला। अब आपका क्वेश्चन लड्डू हो गया, जीरो से जीरो काटा, 25 से आपने काटा चार बार, चार से आपने काटा चार बार, दो से आपने काटा दो बार, फिर आपने काटा 5 से 27 बार, 5 से आपने काटा दो बार, 2 2 जा 4 2 4 जा 8 2 1 जा 2, तो 241 इंटू में 27 हो जाएगा, तो लास्ट में आपका आंसर 7 आएगा। तो ये तो हो नहीं सकता, ये नहीं हो सकता, तो इसकी पॉसिबिलिटीज मुझे सबसे ज़्यादा लग रही है, या तो ये आंसर होगा। अगर आपको लगता है कि सर नन ऑफ दीज भी है, तो मैं चेक कर लेता हूँ, मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करना इट्स नॉट अ बिग डील, है ना, 27 से करने 2 1 जा 2 2 4 जा 8 2 4 जा 8 0। एक मिनट, कुछ ज्यादा ही गड़बड़, एक मिनट, कुछ स्टेप मिस हो रहा है क्या? साथियों एक बार जरा कैलकुलेशन चेक करना, कौन सा पार्ट, कुछ पार्ट लग रहा है मुझे। 135 क्यों आया, फिर से रिपीट कर रहा हूं, देखो फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैंने कहा कि 4820 मेरा प्रिंसिपल है और 35% मेरा सिंपल इंटरेस्ट होगा, बट मुझे अमाउंट पता करनी है, तो साथियों मैंने सीधे आपसे कहा 135% दो साल का, सही है, और ये जो पैसा मिला इसका आधा पैसा 25% चार सालों के लिए, यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ, ये आपको पता करना है। आया नहीं आया समझ? अब आपने इसमें कैलकुलेशन करी थी, तो देखते हैं कैलकुलेशन हम कहाँ गलत कर रहे थे। 25 से चार बार ये पूरा कट गया, 2 से दो बार कट गया, 0 से 0 कट गया, 5 से 5 दुनी 10, 5 7 जा 35, 5 दुनी 10, 2 2 जा 4 2 4 जा 8 2 1 जा 2, कौन सा गलत हो रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा, एक मिनट। एक बार चेक कर लेना कहीं पे मिस्टेक हो रही है, ठीक है साथियों, तो ये कहीं पर मिस्टेक हो रही है, देख लेना कहां पर क्या क्या चीज कैंसिल आउट हो रही है, बट दैट विल बी द आंसर। फाइन, अगर आप वैसे करोगे, वैसे कैसे करोगे, देखो बेसिक से करना होता तो बेसिक से फिर ऐसे करते, 4820 इसका 35% दो साल, ये सिंपल इंटरेस्ट आता, उसमें फिर आपको अगेन 4820 जोड़ना पड़ता,
तो ये जो स्टेप आप दो कर रहे हो ना, इसी को तो मैंने लिखा है कि भाई 4820 इसका 135% 2 साल के लिए, ये चीज तो लिखी है मैंने इस चीज को, तो कंफ्यूजन क्यों हो रहा है? कम ऑन थम्स अप, यस सही है ना? अगर आप ऐसे कर, बात तो वही पड़ेगी ना, 4820 ले लोगे तो कितना हो जाएगा, 135 मतलब ये देखो ना, यहाँ इसको 4820 कॉमन ले लो, जब इसको कॉमन लोगे तो कितना हो जाएगा ये 135 × 70 = 170। अच्छा ये उल्टा हो गया मैंने, ओके 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 मैं समझ गया, अच्छा यहाँ पे हम लोग गलती कर रहे थे, एक मिनट, सही है सही है सही है, 4820 35 × 70% सॉरी 170 होगा, माफ़ कीजिएगा 170 हो जाएगा, माफ़ कीजिएगा, यही मैं गलती कर रहा था बार बार कि 35 × 70% ये जो आ गया, और ठीक है 35% है ना, तो 2 साल का 70 तो 100 जोड़ देंगे 170%, ठीक है छोटी सी मिस्टेक ही हो, इसका आधा अब सही आएगा अब, ठीक है ये लो, तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, अब इसको काट लो 0 से 0, 0 से 0, 2 4 = 8, 2 2 = 4, 2 4 = 2, 1 = 2, और ये आपने 2 से काटा था तो 241 × 170, एक बार सॉल्व कराओ × 17, अब इसको सॉल्व कर लेना, यू विल गेट द आंसर, फाइन सही है, एक बार थम्स अप करो, यस ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। तो मैंने क्या कहा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, कई बार आ जाओ। एक और सवाल, अगेन प्रॉफिट लॉस, एक मिनट इसको रुको, एक सवाल आता है पार्टनरशिप का, एक सवाल देख लो जो कई बार एग्जाम में आ चुका है, ये रहा क्वेश्चन पार्टनरशिप, कई बार एग्जाम में आ चुके हैं ऐसे क्वेश्चन, इस पर आधारित सवाल कई बार आ चुके हैं कि ए और बी ने कि बिजनेस स्टार्ट किया, 9 महीने बाद बी ने छोड़ दिया, सी ज्वाइन द बिजनेस 12,000 और रिमेंस एट द एंड ऑफ ईयर, एट द एंड ऑफ ईयर प्रॉफिट दे रखा है आपको, तो बताइए ए और बी ने कितना इन्वेस्ट किया। बनाओ बनाओ साथियों, जवाब दो, बहुत ही प्यारा सवाल है, वीडियो को लाइक कर देना सब लोग, आ जाओ देखो इस सवाल को कैसे करेंगे। पार्टनरशिप में एक कॉन्सेप्ट याद रखना, जैसे मान लो मैंने ए रुपए लगाए T1 समय के लिए, इसने लगाए बी रुपए T2 समय के लिए, तो हम क्या करेंगे कि इन्वेस्टमेंट की मल्टीप्लाई टाइम से करते हैं, ये जो आता है हमारा प्रॉफिट का रेशियो बराबर होता है, हमेशा वैल्यू बराबर नहीं होती है, रेशियो बराबर होता है। तो मैंने क्या कहा, इन्वेस्टमेंट का रेशियो और प्रॉफिट का रेशियो बराबर होता है, ना कि वैल्यू। तो हमें ध्यान रखना है कि बराबर जो चीज होती है वो केवल वैल्यू होती है। अब सुनो, ए ने कितना पैसा लगाया आपको नहीं पता, बी ने कितना लगाया आपको नहीं पता, तो मैंने कहा ए ने मान लो एक्स रुपए लगाया, बी ने लगाया मान लो वाई रुपए, तो सी ने लगाया कितना 1200 रुपए, लिख रखा है ना 12,000 रुपए, ये वाला स्टेप क्लियर हुआ। आपको नहीं पता ए और बी ने कितना पैसा लगाया, तो आपने कहा इसने एक्स लगाया इसने वाई लगाया, अब पूरा पूरा बिजनेस इन्होंने किया, देखो आफ्टर 9 मंथ्स बी लेफ्ट, तो बी ने 9 महीने बिजनेस किया, तो बी ने बिजनेस किया केवल 9 महीने, इसने पूरे 12 महीने किया, ठीक है, और सी ज्वाइन द बिजनेस, तो सी कब आया 9 महीने बाद, तो केवल 3 महीने बिजनेस करेगा। आपने इसे रेशियो में तब्दील किया, तो आपने कहा 3 से कितनी बार, 3 बार, 3 से 1 बार, 3 से 4 बार, तो प्रॉफिट का रेशियो कितना आ गया 4x रेशियो 3y रेशियो 12,000, दिस इज द रेशियो ऑफ प्रॉफिट, हाया ना बोलो सही है, एक बार हाया ना बोलो। मैंने क्या कहा, ए बी सी का प्रॉफिट, तो हमें प्रॉफिट चाहिए, तो मैंने ए का प्रॉफिट ले लिया कि ए का प्रॉफिट 4x है, सी का प्रॉफिट 12,000 है, दिस मस्ट बी इक्वल टू रेशियो ए का प्रॉफिट और सी का प्रॉफिट, तो 48/24, तो 24 से 2 बार, 2 से 2 बार एक्स की वैल्यू आ गई 6,000, आया ना बोलो साथियों, जवाब दो फटाफट से, यस फास्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर और नॉट। सिमिलरली वाई भी निकालेंगे, वाई कैसे निकलेगा, आ रहा है कि नहीं आ रहा, पहले तो ये बताओ वाई कैसे निकलेगा, सेम
3y अपॉन 12000, वाई का कितना है 48 अपॉन 24, बस। तो 24 से अगेन दो बार, तीन से चार बार, तो y की वैल्यू आ गई 8000, तो x प्लस वाई बोल रहा है 14000। याद रखना है कि इन्वेस्टमेंट का रेशियो प्रॉफिट के रेशियो के बराबर होगा, और कोई बात आपको याद नहीं रखनी है कि भाई x लगा रहा था, y लगा रहा था 12000, पूरे 12 महीने, इसने 9 महीने बाद छोड़ दिया तो 9 महीने, 9 महीने बाद आया तो 3 महीने, ये आ गया आपके इन्वेस्टमेंट का रेशियो। दिस मस्ट बी इक्वल टू प्रॉफिट का रेशियो, तो x निकाल दिया, सेम उसी बात को दोहराया, y निकाल दिया, दोनों का सम पूछ रहा था आंसर। तो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे, बेस्ट, कम ऑन यार, थम्स अप कीजिए। देखो मजा तभी आएगा जब आप बताओगे सर समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहा है, कि कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, मैं कोशिश यही कर रहा हूं कि हर एक टॉपिक में आपको कॉन्फिडेंट करने का, पार्टनरशिप करने जाओ तो कॉन्फिडेंट। अब एक सवाल और देता हूं पार्टनरशिप का, थोड़ा कॉन्फिडेंस और फील आएगा। एक सवाल और दूं, ठीक है रुक जाओ, चलो एक सवाल और दे दिया पार्टनरशिप का, ताकि पार्टनरशिप में कॉन्फिडेंस आ जाए। आओ, अगर आपने ये सवाल भी कर लिया तो समझो कि पार्टनरशिप में काफी कॉन्फिडेंस अप हो गया। बोल रहा है कि अमाउंट इन्वेस्टेड बाय सी 4000 रुपए ज्यादा है ए से, 9 महीने बाद ए और सी ने अपने पैसे विड्रॉ कर लिए, बी ज्वाइन करता है बिजनेस 24000 रुपए लेके, एट द एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट का रेशियो ए और सी का दे रखा है। बोल रहा है कि प्रॉफिट का शेयर निकालना है बी का, अगर प्रॉफिट हुआ 14000, तो आप एक बात बताओ, सी ने 4000 रुपए ज्यादा लगाए ए से, अब बी ने कितने लगाए किसी को नहीं पता, लगाए देखो लिख रखा है बी ने लगाए 24000 रुपए, हो गया लड्डू सवाल है। एक्स की अगर आपने ये सवाल कर लिया तो प्रॉफिट लॉस में आप अच्छे कॉन्फिडेंट फील करोगे यार। आ जाओ देखो साथियों, 1 मिनट से ज्यादा का समय दिया मैंने आपको, अब आप मेरा पॉइंट सुनना। हालांकि काफी सारे लोगों ने आंसर किया है, मैक्सिमम लोग आंसर कर रहे हैं 4000, ठीक है कोई बात नहीं, लॉजिकली बनाते हैं। मैंने कहा साथियों सुनना मेरे स्टेप को, मैंने कहा ए ने कितने पैसे लगाए एक्स, बी ने कितने लगाए 24000, पॉइंट सुनते रहना, जो ना आए समझ में पूछ लेना। और सी जो है 4000 ज्यादा लगा रहा है ए से, तो एक्स प्लस 4000। अब इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, तो आफ्टर 9 मंथ्स ए और सी विड्रॉ और बी ज्वाइंट रुपीज 24000 और बिजनेस पूरा 1 साल चल रहा है, तो भाई 9 महीने किया ए और सी ने, तो इसने पैसे लगाए 9 महीने, इसने पैसे 9 महीने तक निकाल दिए, ये 9 महीने बाद आया तो इसने केवल 3 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट हुई, आया ना बोलो, स्टेप क्लियर और नॉट साथियों, थम्स अप यार। मैंने कहा पार्टनरशिप में कॉन्फिडेंस फील करना है, तो आपने कहा 3 से 3 बार, 3 से 1 बार, 3 से 3 बार, तो आपने कहा ये 3x हो गया रेशियो, दिस इज 24000 रेशियो, दिस इज 3x, 4 3 12000, ये आपके इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ गया। तो अगेन इन्वेस्टमेंट का रेशियो प्रॉफिट के रेशियो के बराबर हो जाएगा। अरे हाँ ना कुछ तो कहो, जल्दी से बताओ बेटा, सम एक बार कमेंट करके देखो यार, तभी मजा आता पढ़ाने, तुम रिस्पॉन्स करोगे। और चाहो तो इसको और काट लो, 3 से और भी काट सकते थे हम इसको, इसको भी काट सकते थे, 3 से और काट सकते थे इसको, अगर आप देखो 3 से और काट लो, 3 बार, 3 से 8 बार, और ये 3 बार, तो ये हो जाता एक्स रेशियो 8000, और आसान कर लेते, और रेशियो एक्स प्लस 4000, तो यही तो आया रेशियो। अब ठीक है, और इजी बना दिया। अब मैंने क्या कहा था, अब किसके बराबर होगा, प्रॉफिट के रेशियो के, ए और सी का दे रखा है आपको, बस काम बन गया। तो आपने कहा ए का प्रॉफिट है एक्स और सी का प्रॉफिट है एक्स प्लस 4000, दिस मस्ट बी इक्वल टू 2 3, तो यहां से मैंने सॉल्व किया, मैंने कहा 3x 2x, मतलब एक्स की वैल्यू आ गई 4000, कम ऑन, सॉरी 4 2 3x 2x 4 2 8000 आ गई, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 8000। एक बार हाँ या ना बोलो, देखो बहुत जल्दबाजी नहीं कर रहा हूं, आराम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो x की वैल्यू 8 आ गई, तो आपने कहा ये 8 के हैं,
रेशियो 8 के हैं, 8 और 4 12 के हैं, तो प्रॉफिट का रेशियो कितना हो जाएगा, 2:2:3 प्रॉफिट का रेशियो हो गया। तो 14,000 में किसका बोल रहा है, बी का बोल रहा है, बी ये रहा, तो 2/3 2 5 और 2 7 इंटू 14 के में, तो 7 × 14 2 × 4 के मेरा आंसर। बेस्ट, कमॉन, पार्टनरशिप में कॉन्फिडेंस फील आ रहा है कि पार्टनरशिप जैसा टॉपिक है, लड्डू एक ही बात ध्यान रखनी है, इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट, इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट, थम्स अप। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ। अच्छा, कितने लोग हैं जिनको ये लग रहा है कि आज पार्टनरशिप में कॉन्फिडेंस फील आया, कमॉन, एक सवाल और दे दूं पार्टनरशिप का, चलो एक सवाल और देता हूं फिर पार्टनरशिप को खत्म ही कर देंगे, फिर ऐसा चलेंगे, ये रहा, आ जाओ, आओ, चलो। फिर चलेंगे मिल्क वाटर वाले सवाल पे कि एक्स वाई जेड एक पार्टनरशिप में आते हैं, एक्स और वाई ने 4x इन्वेस्टमेंट ऑफ वाई और जेड 3-4, फिर बोल रहा है कि 2 साल बाद जेड ने 1850 रिसीव किए 3700 रुपए में से द वैल्यू ऑफ एक्स। साथियों वीडियो को लाइक करो यार, ऐसे बात नहीं बनेगी। बहुत बढ़िया, अच्छा बस मुझे खुशी से बात की है कि बहुत सारे लोग जो है आंसर कर पा रहे हैं, उनको मतलब मजा आ रहा है करने में। देखो क्या कह रहा है कि x और y, आ जाओ साथियों, बोल रहा है कि x और y ने, देखो बहुत जल्दबाजी भी नहीं है, मुझे आराम आराम से पढ़ा रहा हूँ, हमें पता है कि भैया हमें एग्जाम क्वालिफाई करना है ना, तो x रेशियो y कितना है, 4:x। फिर बोल रहा है y रेशियो z, आपने कहा कितना है, 3:4। आपने इसको बैलेंस किया तो कैसे बैलेंस करते हो, x y z, 4×3=12, आपने कहा 3x और ये 4x, एक बार आया ना बोलो, तो ये आ गया इसके इन्वेस्टमेंट का रेशियो। अब बोल रहा है कि एट द एंड ऑफ 2 ईयर, तो भाई 2 साल बाद z को 1850 मिल रहे हैं, तो z को मिल रहे हैं 4x, z ऊपर ले लिया तो नीचे कितना ले लूं, x और y, तो 12+3x, तो z के सामने z रखेंगे 1850, और 1850 अगर इसमें से माइनस करूंगा तो सेम 1850 ही आएगा, है ना, तो इन दोनों का भी 1850 ही है, तो ये पूरा पूरा कट गया, तो आपने कहा x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 में से 3 गया, 12 आ गई, कैसा लगा, एक बार सारे बच्चों से मुझे जवाब चाहिए, कमेंट सेक्शन में लिखिए, अरुण सर है तो मैथ्स हलवा है, अर्थमेटिक बहुत लोगों को लगता है, मैं आपसे लिटरली कह रहा हूं, एक बार, अब तो क्या टाइम रहा नहीं इतना, तो मगर शुरू से अर्थमेटिक पढ़े होते ना, तो आज बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मुझसे प्लस में ऑलरेडी पढ़ रहे हैं और बड़ा कॉन्फिडेंस फील कर रहे हैं, सर पार्टनरशिप का एक सवाल अगर आएगा तो एग्जाम में बन जाएगा, बोलो आएगा तो बन जाएगा, फास्ट कमेंट, सारे बच्चे कमेंट कीजिए कि सर आएगा तो बन जाएगा, है ना, तो एक्स की वैल्यू 12 आ गई। अब चलते हैं हम कुछ सवाल, रेशियो वाले सवाल जो आते हैं, एक आता ना मिल्क वाटर वाला, कितना मिल्क है इतना वाटर है, आ जाओ उसको भी डन करते हैं, उसको भी खत्म करते हैं उसकी कहानी भी। आ जाओ मिल्क वाटर वाला क्वेश्चन, चलो आ जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, देखते हैं कौन बनाएगा, आ जाओ चलो बनाओ, शाबाश, देखते हैं मिल्क वाटर वाला कौन करता है। बोल रहा है कि वेसल ए में 90 लीटर का मिक्सचर है मिल्क वाटर का, ए कंटेन 90 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क, बी में 110 है। बोल रहा है कि ए और बी में मिल्क जो है वो 25% ज्यादा है और 20% ज्यादा है, ठीक है, 36 निकाल रहे हैं ए से, 66 निकाल रहे हैं बी से, तो रेशियो ऑफ मिल्क वाटर इन द रिजल्टिंग मिक्सचर, अब देखते हैं कौन बनाता है।
36 ए से निकाल रहे हैं, 66 बी से निकाल रहे हैं। रेशियो बताना है फटाफट से बताएंगे। देखो बहुत सारे लोगों ने आंसर, अब मैं इसको देखो कैसे आपके साथ में इसको तोड़ता हूँ और कैसे इस क्वेश्चन को आपके साथ में जोड़ता हूँ। देखो साथियों, हम सवाल को बनाते हैं लड्डू, है ना, तभी खाने में मजा आता है। अगर सवाल का रायता बना दोगे तो फिर खाने में नहीं, फिर उसको पीना पड़ता है और गटकने में बहुत दिक्कत हो जाती है। आ जाओ, बोल रहा है कि मिक्सचर ए में क्या है, 90 लीटर है, मिक्सचर बी में 110 लीटर है। सही बात है। तो साथियों आपसे बोल रहा है कि मिल्क जो है 25% ज्यादा है, 25% ज्यादा का मतलब ये 4 हो गया तो ये 5 हो गया, दिस इज मिल्क एंड दिस इज वाटर। नाउ दूसरे में 20% ज्यादा है तो 5 और 6, तो आपने कहा ये 5 हो गया ये 6 हो गया, ये तो कर लिया होगा लड्डू, सबने लड्डू बन गया था। अब बोल रहा है कि भैया साथियों यहां से 36 निकाल रहा हूं और यहां से 66 निकाल रहा हूं, तो निकालने के बाद डाल दिया कहीं और, तो डाल दो भैया। अब पहले मिल्क बताओ कितना हो जाएगा, यहां मिल्क कितना हो जाएगा, 36 जो है वो 9 की वैल्यू है, तो 1 की वैल्यू 4 पंजे 20, तो 20 मिल्क तो ये हो गया इसका दूध, ए का दूध भाई 9, 5 और 4 9 से डिवाइड किया, 4 बार 20, 6 5 11 से डिवाइड किया, 6 छक्का 36, तो ये दूध हो गया। पानी भी निकाल दो सिमिलरली, कितना आया था, 1 की वैल्यू 4, 4 चौको 16, 6 5 30, जवाब देते रहना, तो दिस इज 56 और दिस इज 46, तो 28:23 लड्डू है, बना दिया लड्डू, लड्डू बना दिया। बताओ मोतीचूर का लड्डू है या बूंदी का लड्डू है, कमेंट। एक सवाल मैं ऐसे देखो, जैसा अभी हमने पार्टनरशिप खत्म किया, अब हम रेशियो खत्म करेंगे, रेशो के बाद हम खत्म करेंगे प्रॉफिट लॉस, फिर ऐसे से करके डायमंड वर्क। थम्स अप, एक और आ जाओ जल्दी से, टाइम कम है कंटेंट ज्यादा है। प्रॉफिट लॉस तो खैर हम कर ही चुके हैं, आ जाओ एक सवाल और रेशियो का, मिल्क वाटर वाला, ये रहा, देखते हैं कौन बनाता है। सारे मैंने टफ से टफ, आसान से आसान रखे। एक वैसल है जिसमें दूध पानी है 5-8, 65 निकाला जाता है उसकी जगह पर, और उसको वाई बर्तन में डाल जाता है जिसमें सिर्फ 12 लीटर दूध था, और बोल रहे क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन वाई बिकम्स इतना परसेंट ऑफ इनिशियल मिक्सचर ऑफ एग्स, तो इनिशियल क्वांटिटी ऑफ वैसल। बहुत ही लड्डू सवाल है, बनाओ। बोल रहे क्वांटिटी ऑफ वेसल वाई बिकम्स इतना, एक्स निकाल दो लड्डू है, आ जाओ। मैंने क्या कहा, बहुत ही लड्डू सवाल है, आ जाओ एकदम, मतलब इसे कहूंगा कि मतलब ये तो बिल्कुल रसमलाई है। देखो कैसे रसमलाई है साथियों, एक बर्तन एक्स है, ठीक है भाई साहब, इसमें क्या है, मिल्क वाटर है या वाटर मिल्क है, वाटर और मिल्क है 5:8 में। अब यहां से आपने 65 निकाल दिया, तो 65 में जो मिल्क जाएगा वो कितना जाएगा, 8/13 65 में, तो 13 से 5 बार, तो आपने कहा मिल्क हो गया 40, गलत तो नहीं कह रहा हूं भाई, 13 से 5 बार 40 दूध आपने यहां से लिया और वो आपने वाई में डाल दिया, वाई में ऑलरेडी 12 दूध था, तो वाई में दूध कितना हो गया, तो आपने कहा भाई जो वाई है मेरा उसमें जो दूध हो गया वो 52 हो गया, और लिख भी रहा है कि वाई में जो दूध है वो 2/3, इसकी वैल्यू 2/3 होती है, 2/3 है एक्स का, तो दिस 52 इज 2/3 एक्स का है, एक्स मान लो 2 से 26, तो एक्स की वैल्यू आ गई 78, इसका मतलब
जो ये एक्सा था इसमें 78 लीटर क्वांटिटी है, तो मुझे 78 नहीं निकालनी है, मुझे वाटर निकालना है। तो वाटर कितना है 78 में, 5/13, 78 में पानी 13 6 78, 6 5 30। मैंने कहा ना बहुत ही लड्डू सवाल है, लियो बोलो फास्ट। अरे जवाब दो यार, गलत बात है। यस कम ऑन, एक सवाल और दो मिल्क वाटर वाला, एक सवाल और मिल्क वाटर वाला, ठीक है एक और सवाल ये तो कर लोगे। खैर सन सुन वाला इसको और देख लो, बहुत ही लड्डू सवाल है। 30 सेकंड में 50 सेकंड मैक्सिमम टाइम है, आओ जल्दी से आओ। ये रहा साथियों, वीडियो को शेयर करो, लाइक, यार बड़े कम लोगों ने लाइक किया है, क्या बात भाई, मजा नहीं आ रहा है क्या पढ़ने में। एक वैसल है एक्स का, जिसमें से में 50 निकाल रहे हैं, पानी मिला दे रहे हैं, बाद में 9-11 हो गया। देखो 50 लीटर निकाल रहे हैं तो वैल्यू ऑफ एक्स, तो लड्डू वैसे तो ये करवा रखा है मैंने, बट फिर भी पीडीएफ कहां मिलेगा? पीडीएफ बेटा आपको मिल जाएगा runsinghawat.com पर, आ जाओ। इतना समय थोड़ी ना होता एग्जाम में कि आप इतना एक एक मिनट खा रहे हो, आ जाओ साथियों। फिर वही बात है, देखो बेसिक तो इसका बहुत ही बता दूंगा, बेसिक भी बोल रहा है कि कंटेनर एक्स में जिसमें मिल्क पानी है, पानी 60% है। 60% का मतलब कि अगर जो आपका वाटर है और जो मिल्क है, तो आपने क्या कहा कि अगर ये 100 है तो ये 60 हो जाएगा, यही तो कह रहा है, सॉरी पूरा मिक्सचर अगर वो है तो ये 40 हो जाएगा ना। अगर आपने कहा पूरा मिक्सचर 100 है तो पानी 40 हो जाएगा, तो आपने कहा रेशियो कितना आ गया, 3:2। तो मैंने वही आपसे कहा कि मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो साथियों 3:2 है। अब मैंने यहां से 50 लीटर निकाल दिया और उसके बाद उतना ही पानी मिला दिया, तो फिर वही बात है, जो 50 निकलेगा वो 3:2 में निकलेगा, मतलब 30 निकलेगा मिल्क, 20 निकलेगा पानी। तो मैंने क्या कहा कि मान लो यहाँ पानी कितना है, 3 मिल्क कितना है, 3x में से 50 निकल गया, यहाँ कितना है, 2x में से 20 निकल गया, और 50 ही आपने क्या मिला दिया। उसके बाद में रेशियो कितना हो गया, 9:11, ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। आया नहीं आया समझ, क्या कह रहा हूं साथियों कि भाई मिल्क वाटर 3:2 है, जब आप 50 निकालोगे तो जिस रेशियो में अवेलेबल होगा उसी में तो निकलेगा ना, तो 30 और 20 निकल गया, तो इसमें से 30 निकलेगा, इसमें से क्या हो जाएगा, ये 30 निकल जाएगा, ये 20 निकल जाएगा, 50 जोड़ रहे पानी, पानी जोड़ दिया बराबर, बट दिस प्रोसेस विल टेक समय, दिस प्रोसेस विल टेक टाइम। लॉजिकली देखता हूं, मैंने कहा कि मिल्क वाटर मेरा 3:2 है, अगर मैं 50 निकाल रहा हूं तो निकालने के बाद भी रेशियो सेम रहता है, तो निकालने के बाद रेशियो सेम है, उसके बाद रेशियो हो गया 9:11, तो 9:11 क्या हुआ, आपने क्या मिलाया, पानी मिलाया, तो आप मिल्क सेम होगा तो ऊपर मल्टीप्लाई 3 से किया, 3 3 9, 3 2 6, 9:11 कितना पानी मिला रहे, 5, 5 की वैल्यू कितनी है, 50, जब 5 की वैल्यू 50 है, 9 6 15 की वैल्यू बतानी है, 5 की वैल्यू 50 मतलब 1 की वैल्यू 10, 15 की वैल्यू 150, ये 150 तबे जब 50 निकाल दिया, 50 और जोड़ दो 200 आंसर। ये रेशियो मेथड है ना, कि भाई 3:2 था तो 3:2 में 50 निकाल दिया, निकालने के बाद भी 3:2 रहेगा, निकालने के बाद 3:2, फिर आपने पानी मिलाया तो 9:11, तो मैंने कहा जब मिला मैं पानी रहा हूं तो दूध मेरा सेम होगा, तो मैंने दूध को सेम कर दिया, 3 से गुणा करके 9 6 9 11, 5 पानी मिला रहा हूं बराबर 50, 1 बराबर 10, तो 9 और 6 15, 15 बराबर मैंने कहा 150, ये 150 तब है जब 50 निकाल दिया, 50 और जोड़ दो तो आपने कहा आंसर 200। बेस्ट, चलो कुछ टाइम एंड वर्क पे चलते हैं, आओ टाइम एंड वर्क बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भैया, एक सवाल टाइम एंड वर्क पे आएगा और एफिशिएंसी पे बहुत आएगा, आ जाओ।
रिपीट वाले बेटा रिकॉर्डिंग देखना, बी 60% ज्यादा एफिशिएंट है, ए से दोनों काम करते हैं 8 दिन में। लो लड्डू सवाल है, आ जाओ, इतना टाइम थोड़ी ना होता है साथियों। देखो मुझे लगता है आप रीडिंग में भी गलतियां कर रहे हो, शायद छोटी छोटी गलतियां जो आपसे हो रही है। बी इज 60% मोर एफिशिएंट देन ए। इस लाइन का क्या मतलब होता है कि बी 60% है ए से? तो भाई अगर 60% का मतलब 3/5, तो अगर ए 5 है तो बी आपका 8 हो जाएगा ना, ये एफिशिएंसी आ गई। अब ध्यान दो, दोनों काम कर रहे हैं 8 दिन में। जब एक बात बताओ, दोनों काम कर रहे हैं 8 दिन में, तो 13 दोनों की एफिशिएंसी है, मल्टीप्लाई 8 से कर दूं तो 104 मेरा क्या हो गया, दिस इज माय वर्क, है ना, कि एफिशिएंसी की मल्टीप्लाई डेज से करते हैं तो वर्क आ जाता है। मैंने कहा 13 दोनों की एफिशिएंसी थी, दोनों के दिन गिवन थे, वर्क निकाल दिया। अब बोल रहा है कि सी एलोन 5/8 काम 13 दिन में कर रहा है। अरे एक बात बताओ भाई, 5/8 काम ये 13 दिन में कर रहा है ना, 5/8 काम 13 दिन में कर रहा है, कौन है ये? ये सी है। अब 5/8 काम तो आपके, अब दो तीन तरीके हैं। देखो आप सी की एफिशिएंसी भी निकाल सकते हो, तो आपको सी की एफिशिएंसी तो निकालनी होगी, ए की एफिशिएंसी तो ऑलरेडी है, सी और निकालनी है। तो आपने कहा कि 5/8, तो आपने कहा 104 अगर मेरा काम है तो इसका 5/8 आपने कहा, 8 से आपने कहा 13 बार, मतलब 65 काम कर रहा हूं मैं 13 दिन में, तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 5। भाई 5/8 काम तो 104 है ना यार, तो 104 का मैंने 5/8 किया तो 65 काम 13 दिन में कर रहा है, 5 एफिशिएंसी। तो आपने कहा जो सी भाई साहब है उसकी एफिशिएंसी कितनी है, 5, ए की एफिशिएंसी भी कितनी है, 5, तो दोनों अगर साथ में करेंगे 104 तो 10 से करेंगे, तो 10 से 10 बार 4/10, मतलब 10 सही 2/5 मेरा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में अवेलेबल है, बिल्कुल अवेलेबल है, ये रहा ई ऑप्शन। लड्डू था, बोलो कमेंट में सर कि बहुत ही लड्डू क्वेश्चन था, हलवा सवाल था। इस तरह के सवाल आसान हैं, इजी होते हैं, कॉम्प्लिकेशन नहीं। एक टाइम एंड वर्क और देता हूँ, रुक जाओ, सब छोड़ देना प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी, बस जितने करवा रहा हूँ उतने ही करो। एक टाइम एंड वर्क और देते हैं, फिर SICI भी है। अगर साथियों मजा आ रहा है ना तो लिटरली वीडियो को लाइक करो यार, दिल से लाइक करो। आप देख रहे हो ना आज गला पूरा खराब है, रात 11 बजे, कल आपको यकीन नहीं मानोगे 10 से 11 तो क्लास कल थी नहीं खैर, बट काफ़ी लेट कंटेंट निकाला आपके लिए, ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चन निकाले, रात तकरीबन 1:30 बजे के आसपास नींद आई, तो सुबह बिल्कुल नींद नहीं खुल रही थी, तो क्वेश्चन ढूंढे गए निकाले गए आपके लिए, रात तक काम किया गया कि यार नहीं सुबह उनको अर्थमेटिक के सवाल देने हैं, पढ़ाना है, उनका एग्जाम है। मुझे लगता है इस सेशन को देखने के बाद हर एक बच्चा आज बहुत कॉन्फिडेंस फील करेगा, है ना, तो रियल लाइक करो दिल से यार। चलो ए और बी सी काम कर रहे हैं 20 दिन में, 7 दिन काम किया छोड़ दिया, बड़ा अच्छा सवाल है। ए बी सी ने काम किया 20 दिन में, दे वर्क्ड इट फॉर 7 दिन, सी लेफ्ट, ए और बी 8 दिन करते हैं, बी लेफ्ट, रिमेनिंग 2/5 काम ए अकेला 24 दिन में करता है। बस कहानी यहीं से क्लियर होती है कि ए पूरा काम कर लेगा उसके, आप ले लो एलसीएम, एफिशिएंसी निकाल लो एंड यू विल गेट द आंसर। आ जाओ, इतना टाइम थोड़ी ना, 1 मिनट देखो, सिर्फ लास्ट की लाइन पढ़नी थी आपको साथियों। रिमेनिंग काम 2/5 काम ए अकेला 24 दिन में कर रहा है, इस पॉइंट को पढ़ो। तो 2/5 काम अगर मैं 24 दिन में कर रहा हूं तो 2 से 12, मतलब ए पूरा काम 60 दिन में कर रहा है, तो ए पूरा काम 60 दिन में कर रहा है, यहां से लिखना शुरू करते हैं। और तीनों लोग मिलके ए प्लस बी प्लस सी 20 दिन में कर रहे हैं, तो साथियों फिर वही बात आ गई, आपने एलसीएम लिया, आपने कहा 60 मेरा काम है, इसकी एफिशिएंसी 1 है,
इसकी एफिशिएंसी 3 हो गई, हाँ या ना बोलो। तो जब इसकी एफिशिएंसी 3 हो गई तो इसने आपने कहा कि भाई ए की एफिशिएंसी तो 1 है, आपने कहा बी की एफिशिएंसी नहीं पता, सी की नहीं पता, लेकिन दोनों की एफिशिएंसी 2 होगी, हाँ या ना बोलो। अब आपको निकालना क्या है कि बी अकेला कितना दिन करेगा। यहां तक का स्टेप क्लियर है कि नहीं है, पहले तो ये बताओ। अरे जवाब तो बोलो, ये वाला स्टेप क्लियर है। तो मैंने कहा बी की एफिशिएंसी मेरी एक्स है, तो सी कितना हो जाएगा, 2 - x, क्योंकि कंबाइन तो 3 है। तो ए की 1 हो गई, बी की हो गई 2, बी प्लस सी तो 2 - x। अब पॉइंट समझो, बोल रहा है कि दे वर्क इट फॉर 7 डेज, दे मतलब तीनों लोगों ने काम किया, तो तीनों लोग काम कर रहे हैं, 3 × 7 दिन तक काम हो गया। सी ने छोड़ दिया, ए और बी ने किया अगले 8 दिन, तो ए और बी मतलब x + 1 अगले 8 दिन तक काम हुआ, ठीक है। देन बी लेफ्ट और रिमेनिंग काम तो ए ने किया था 24 दिन में, ठीक है। यहां तक समझ आया कि नहीं आया पहले बताओ। तो रिमेनिंग काम मतलब ए की एफिशिएंसी 1 है, उसने 24 दिन लिए और ये सारा काम बराबर हो जाएगा 60 के। थम्स अप यार, जवाब दो, ऐसे मजा नहीं आएगा। फास्ट, अब यहां से हम एफिशिएंसी निकालेंगे। तो एफिशिएंसी कैसे निकलेगी, देखो मैंने कहा 7 × 21 और ये 24 और ये हो जाएगा 8x + 8 = 60। तो 4 × 1 = 5, 2 × 2 = 53। तो 8x की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 4 × 1 = 5, 2 × 2 = 53 - 7 हो जाएगा, x की वैल्यू आ गई 7/8। तो ये एफिशिएंसी आ गई b की, और आपको बोलना है b पूरे कितने दिन लेगा, तो b कितने दिन लेगा। अब लड्डू हो जाएगा कि 60 मेरा काम है, एफिशिएंसी मेरी 7/8 आ गई, तो ये आपका आंसर 480/7 दिन। जिन बच्चों को टाइम एंड वर्क में थोड़ी सी भी नर्वसनेस फील हो रही हो, आप मेरा टाइम एंड वर्क का लेक्चर यूट्यूब पर पड़ा हुआ है, आप जाके देख सकते हैं, समझ सकते हैं। दोनों पार्ट मैंने अपलोड किए हुए हैं, एफिशिएंसी वाले भी और बेसिक कॉन्सेप्ट भी। तो टाइम एंड वर्क मैंने यूट्यूब पर पढ़ाया भी था अभी 4-5 दिन पहले, आप जाके समझ सकते हैं, सही है। एक्स प्लस वन कैसे आया, पूजा देखो ए और बी ने काम किया था ना बेटा 8 दिन तक, तो ए की एफिशिएंसी 1 है, बी की एक्स है, तो एक्स प्लस 1 हुआ ना कंबाइन, तो एक्स प्लस 1 8 दिन तक, ठीक है। चलो अब चलते हैं थोड़े से हमारे SICI वाले पे चलते हैं, थोड़ा सा SICI के दर्शन मार लेते हैं। आ जाओ एक प्रॉफिट लॉस का करो, चलो बड़ा अच्छा सवाल है, एक प्रॉफिट लॉस और एक SICI पर जाते हैं। आओ, सैम मेड 20% प्रॉफिट बाय सेलिंग लैपटॉप, 25% का डिस्काउंट देता है, तो MRP इज मेड 2 times ऑफ प्रीवियस एंड ऑफर्स 40% डिस्काउंट, तो प्रीवियस प्रॉफिट परसेंट टू न्यू प्रॉफिट परसेंट का रेशियो। लड्डू सवाल है वैसे तो। अच्छा एक बात है, 4,500 लोग देख रहे हैं, लेकिन लाइक से 3,000 लोगों ने किया हुआ है, 1500 लोग अभी भी लाइक से वंचित हैं। भाई लाइक कर दो यार। आओ 56 सेकंड समय समाप्त। बोल रहा है कि सैम को 20% का प्रॉफिट हो रहा है लैपटॉप को बेचते हुए। अब पॉइंट समझते चलना कि मान लीजिए मेरी कॉस्ट प्राइस जो है वो 100 रुपए थी, अगर मुझे 20% का प्रॉफिट हो रहा है तो मेरी सेलिंग प्राइस कितनी हो गई, 120, और 25% का डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है भाई। अब 20% का प्रॉफिट हो रहा है तो यार एक बात बताओ, जब मैं 25% का डिस्काउंट दे रहा हूं तो ये वैल्यू कितने की हुई, MRP भी निकल जाएगा ना, ये जो 120 है कितने की वैल्यू हुई, 75 की हुई, इंटू 100 निकाल दिया, तो मैंने कहा MRP कितना हो गया भाई बताओ, 25 से 4 बार, 25 से 3 बार, 3 से 40 बार, तो आपने कहा MRP हो गई 160, गलत तो नहीं कह रहा हूं। अब जो नई MRP है वो इसका डबल है, तो जो नई MRP है वो 160 का डबल है, कितनी हो जाएगी, 320 हो जाएगी। 40% की छूट दे रहा हूं तो 60% बेच रहा हूं, तो 6 × 12 6 × 3 = 18 और 1 = 19, तो 192 का बेच रहा हूं, तो CP तो मेरा 100 ही था, तो यहां प्रॉफिट हो रहा है मुझे 92 का, यहां हो रहा था 20 का,
दोनों का रेशियो निकालना है, तो प्रीवियस प्रॉफिट मतलब 20 और नया प्रॉफिट 92, तो आपने इसको कैलकुलेट कर लिया 4 से 5 बार, 4 से 23 बार, 5:23। बताओ भाई, लड्डू सवाल है यार सारे, थम्स अप। एक सवाल और ऐसा एसआईसीआई वाला, इसको भी देखते हुए चलो, दर्शन करते हुए चलो इसके भी, कि एक आदमी ने कुछ पैसा इन्वेस्ट किया 20% कंपाउंड इंटरेस्ट 1 year and 6 months। देखो याद रखना, कुछ चीजें बता रहा हूं बहुत काम आएगी साथियों। अगर 10% रेट है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है और 2 साल है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा 21%। कहां से आया? सक्सेसिव लगा के, ये वाला फॉर्मूला, x + y (xy/100). गॉट इट? ये लगा सकते हैं आप, आ रहा है समझ में? मैंने कहा 20% है, कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल है, तो 44%, याद रखना कल बहुत काम आएगा। मैंने कहा आपके पास में 25% है, लेट सपोज कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल, तो ये हो जाएगा 56.25%। सक्सेसिव लगा देंगे। अब इस सवाल को आप करो मेरे साथ, फिर मैं आपको बताता हूँ, लड्डू सवाल है, काफी हद तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आखिरी सवाल है, आ जाओ, चलो बनाओ, टाइमर नहीं आ रहा है, ऐसी बनाओ। अब अगले साल, एक साल अगले साल 6 महीने, तो कैसे करेंगे? देखो इसको भी सेम बनाएंगे। मैंने कहा कि पहले साल जो रेट है वो 20% हुआ ना, दूसरे साल पूरा नहीं है, साल आधा है, तो उसको 10% मान सकते हैं। यार देखो, जब पहले साल तो 20% ब्याज लग रहा है, अगले साल हाफ ईयरली, तो हाफ ईयरली का मतलब 10%, तो मैंने इसे कंबाइन कर दिया। तो जब कंबाइन किया तो मैंने कहा कितना आ रहा है, 20 + 10, 20 × 10/100, तो आपने कहा ये आ रहा है 32%, तो 32% अमाउंट दे रखी है, मतलब 132% की वैल्यू है, 1980, हाँ ना बोलो फास्ट, अरे हाँ ना कुछ तो कहो, अमाउंट दे रखी थी ना आपको, अमाउंट गिवन। अब आपने सॉल्व कर दिया, तो 4 से काट लो, जिससे मर्जी उससे काट लो, 2 से काट लो, 3 से काट लो, 3 × 12, 3 × 12, 3 × 6 = 18, 3 × 6 = 18, परसेंट में चल रहा है, 22 × 2 = 22 × 3 = 1%, 1% की वैल्यू आ रही है 1500%, की वैल्यू आएगी 1500, ठीक है, बेस्ट लगा। चलो तो आज के लिए इतना ही, सेशन ख़त्म करता हूँ, पुनीत सर की अब क्लास होनी है, तो एक बार जल्दी से एक बार सारे लोग बच्चे वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अभी 3400 लोगों ने लाइक किया, यार ये गलत बात है, देखो इतनी मेहनत कर रहे हैं, सोचो साथियों आज मेरा एक मन भी था कि क्लास नहीं लेंगे, तो यार देखो जब इतनी मेहनत हम कर रहे हैं, आपको एक लाइक करने में सोचो इतना सोचना पड़ता है कि सर लाइक करें नहीं करें, लाइक करो यार। और कल सुबह 10 बजे एग्जाम एनालिसिस करेंगे, अब मेरी क्लास शाम को 5 बजे होगी, जहां पर मैं नंबर सीरीज आपको PDF प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, सेशन को एंड करता हूं, थैंक यू सो मच, गुड बाय, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच, जल्दी से लाइक करो, अभी बहुत कम लोगों ने लाइक किया सेशन को, गलत बात है यार, लाइक करो फटाफट से, अब हुआ 3800, अभी भी 800 बच्चे रह रहे हैं, करो फटाफट लाइक करो भाई, जल्दी से लाइक करो सारे बच्चे, फटाफट सारे बच्चे लाइक करो, चलो ठीक है। और कैसी लगी आज आपको क्लास बताइएगा, कमेंट सेक्शन नीचे आपके सामने आ जाएगा, आप मुझे बता दीजिएगा, इसका PDF मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, और आपको परेशानी बिल्कुल भी नहीं होगी, ठीक है। चलो तो इसी के साथ सेशन को मैं एंड करता हूँ, और इस वीडियो के नीचे बताना आज का क्या सेशन कैसा लगा, कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ कि नहीं हुआ, बाकी आप और रिवाइज करो, जैसे आपको परसेंटेज में दिक्कत है तो मेरा YouTube पर परसेंटेज पड़ा हुआ है, जाके परसेंटेज को देखो, आपको प्रॉफिट लॉस में दिक्कत है, प्रॉफिट लॉस भी मैंने डाला हुआ था, टाइम एंड वर्क जिसमें दिक्कत है, आप जाइए वीडियोस को उठाइए देखिए, गुड बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत। Hi Arun, congratulations for getting the most engaging educator award. Wow, this is superb. Educators are responsible for building the future of our country. And you guys are doing such a wonderful job.
I mean, it's so amazing, influencing 1,000 lives each and every day and working so hard towards it. Superb, Arun, superb. I wish you all the best in life. This is Delnaz Irani once again asking you, let's crack it. Superb, guys, superb. Arun, once again, God bless you and do a great job in future.